आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएससी जून। आज की वीडियो में हम अगस्त महीने के झारखंड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सचिवालय का भी फॉर्म मीड सितंबर में आने की संभावना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी और इसी वीडियो का पार्ट टू जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। मैं हूं सुमन शर्मा और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अनिरुद्ध बोस बने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। झारखंड के जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 11 अगस्त 2018 को न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। और ये जो अनिरुद्ध बोस हैं ये हमारे झारखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत झारखंड को 52.70 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने झारखंड को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इसके प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की है और साथ ही 52.70 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। इससे लातेहार जिले में नेत्रहाट पहाड़ी पर्यटन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू व्याघ्र परियोजना, दालमा चांडिल, गोतल सूद आदि को विकसित किया जाएगा। साथ ही वेदनाथ धाम को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्वदेश दर्शन स्कीम एवं प्रसाद योजना आखिरकार है क्या। तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत पर्यटन स्थल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जा सके। इस योजना की शुरुआत भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में की थी, जिसके अंतर्गत दो योजनाओं को शामिल किया गया है। जो हमारा पहला है वो है प्रसाद, अर्थात प्रसाद योजना, यानी कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प, जिसका मकसद सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों को सुविधा उपलब्ध कराना है। आप याद रखिएगा कि सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों को सुविधा उपलब्ध कराना है। और जो हमारा दूसरा है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये थीम पर आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट एशियन गेम 2018 से लिया गया है, विच इज हेल्ड इन जकार्ता, और इसमें झारखंड की मधुमिता कुमारी ने तीरंदाजी में जीता है सिल्वर मेडल। मधुमिता कुमारी झारखंड राज्य के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है एंड झारखंड सीएम रघुवर दास अनाउंस्ड अ रिवार्ड ऑफ 10 लाख फॉर मधुमिता। और इसके साथ ही दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो भी जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, ये हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। हमारा अगला पॉइंट है नवंबर में सरकार बागवानी मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने जा रही है। इसमें दुनिया भर के कृषि तकनीकी से जुड़े जानकार लोग हिस्सा लेंगे, साथ ही झारखंड के किसान भी हिस्सा लेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर झारखंड में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होगी और इस योजना के तहत झारखंड के 57 लाख अर्थात 57 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना को हाइब्रिड मॉडल में लागू किया गया है। याद रखिएगा कि हाइब्रिड मॉडल में लागू किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है हरिवंश नारायण सिंह बने 9 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति। यह एक इंडियन जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन है एंड ही रिसाइड्स एट रांची। दैट्स वाई दिस न्यूज इज इम्पॉर्टेंट फॉर झारखंड करंट अफेयर। झारखंड को डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रांची के होटवार में मेधा प्रोडक्ट डेयरी का शिलान्यास 1 अगस्त को किया गया, ठीक है। और साथ ही जो हमारे झारखंड के सीएम है रघुवर दास, उन्होंने कहा भी है कि 2022 तक पूरी कोशिश रही कि श्वेत क्रांति ला सके और इसके लिए कई काम किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नवंबर में होगी रांची में एग्रीको समिट। झारखंड की 5 खिलाड़ी नेशनल महिला हॉकी कैंप के लिए चयनित की गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: संगीता कुमारी, सलीमा टेट, दीपिका सोरेंग, रीमा बरवाला और पिंकी एक्का। और इनमें से जो 4 खिलाड़ी हैं वो सिमडेगा से हैं। कैंप के कोच के रूप में झारखंड की असुंता लकड़ा रहेंगी। कैंप 12 अगस्त से 8 सितंबर तक साई सेंटर बेंगलुरु में आयोजित होगी। इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल का आयोजन रांची में किया गया, जो कि 5 दिवसीय आयोजन था
और यह 23 अगस्त से 27 अगस्त 2018 तक रांची के ऑर्डरे हाउस में आयोजित किया गया एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और इसमें 24 कंट्रीज और 25 इंडियन स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 18 सड़क परियोजना के लिए नाबार्ड की ओर से 799.34 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से रांची में कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। याद रखिएगा कि टाटा ट्रस्ट के सहयोग से रांची में कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने समावेशी न्याय सदन का उद्घाटन किया ताकि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। महेंद्र सिंह धोनी को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया और जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है उनका नाम है जयराम ठाकुर और वहां के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, ठीक है, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने निर्णय लिया है कि सावन में जन्मे हर शिशु के नाम पर जमशेदपुर में एक पौधा लगाया जाएगा। ठीक है, देश के 6 स्मार्ट सिटी में रांची का भी चयन किया गया है। यह चयन यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और भारत सरकार के सहयोग से किया गया है जिसे टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए चुना गया है। अनचयनित शहर के नाम हैं भुवनेश्वर, पुणे, अमरावती, चंडीगढ़ और इंदौर। अगला पॉइंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि झारखंड के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है जिनमें से एक जमशेदपुर के जयंती सुसाद्री हैं और दूसरे देवघर के अरविंद राज जेजवाड़े हैं। अगला पॉइंट है हमारा, रामगढ़ के रहने वाले स्वर्ण सिंह ने जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स 2018 के नौकायान अर्थात रोइंग में पहला स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एशियन गेम्स 2018 से इस प्रकार है। एशियन गेम्स 2018 जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ उसमें सबसे अधिक मेडल प्राप्त करने वाला कंट्री चाइना बना जिसने कुल 289 मेडल्स जीते। दूसरे स्थान पर जापान 205 मेडल्स के साथ रहा, तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया रहा, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और हमारा इंडिया 8वें स्थान पर रहा। इंडिया ने 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इसने कुल 69 मेडल्स जीते। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो पसंद आने पे एक लाइक ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।